हेलो गाइस, कैसे हो सारे। वेलकम बैक टू अदर ट्यूटोरियल वीडियो। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं तुमको बताने वाला हूँ कि तुम कैसे एक जोनाथन गेमिंग की तरह पार्टी बैनर बना सकते हो, ठीक है, वो भी एंड्रॉयड के अंदर। तो उसके लिए तुम्हें एक पैक चाहिए होगा। उस पैक के अंदर तुम्हें 3 ऐप्स मिलेगी, 4 इमेजेस और 2 फोन, ठीक है। तो यार जो 3 ऐप्स है उसका नाम बताता हूँ मैं। तो सबसे पहले पिक्सल ऐप, सेकंड है PSCC एंड थर्ड है Lightroom। और जो 4 इमेजेस है वो मैं तुम्हें दिखा देता हूँ, ये इमेज यूज़ होगी। एंड जो 2 फॉन्ट है उनको मैं दिखा देता हूँ, उनका नाम दिखा देता हूँ। बट तुम्हें सेपरेटली ऐप डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें एक फोल्डर बना के उसके अंदर मैं तुम्हें दे दूँगा यार, नो प्रॉब्लम एट ऑल, ठीक है। तो तुम्हें दिक्कत लेने की कोई जरूरत नहीं। यार एक और बात, ये पैक पासवर्ड प्रोटेक्टेड है, तो तुम्हें इस वीडियो के अंदर कहीं पे भी तुम्हें पासवर्ड दिख जाएगा, तो तुम्हें वीडियो को केयरफुली देखना पड़ेगा। और इतना भी केयरफुली नहीं, मैं बीच में बिल्कुल बड़ा बड़ा दिखा दूंगा कि पासवर्ड है यहाँ पे, तो मतलब पासवर्ड तुम्हें देखना पड़ेगा, बट मैं तुम्हें दिखा दूंगा। अगर तुम्हें ठीक से भी नहीं देख रहे हो तो तुम्हें दिख जाएगा। और यार अगर ये वाला जो पैक है अगर तुमसे नहीं ओपन हो रहा, नहीं डाउनलोड हो रहा, तो तुम्हें एक सेपरेट वीडियो मिल जाएगी उसके लिए, जो कि तुम्हें हेल्प कर जाएगी इसको, इस पैक को डाउनलोड करने के लिए। तो उसको भी देख लेना अगर तुम्हारे से डाउनलोड ना हो तो। सो यही थी पैक के बारे में बात। सो बढ़ते हैं ट्यूटोरियल की तरफ। सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट राइट अप इनटू द वीडियो। तो सबसे पहले टेक्स्ट बनाते, तो यार तुम्हें पेंसिल आइकन पे क्लिक करना, फिर से पेंसिल आइकन पे क्लिक करना, उसके बाद तुम्हें अपना टेक्स्ट लिखना है। यहाँ पे मैं जोनाथन लिख रहा हूँ, ठीक है। जोनाथन लिखने के बाद मैं इसको डन कर दूँगा, फिर ओके कर दूँगा। तुम अपना नाम लिख लेना, उसके बाद तुम्हें नीचे स्क्रॉल डाउन करना, फिर तुम्हें फॉन्ट का सेक्शन मिलेगा, वहाँ पे जाकर तुम्हें अपनी फॉन्ट को ऐड करना है, ठीक है। जो तुम्हारा पैक होगा उसको एक्सट्रैक्ट कर लेना, उसके बाद तुम्हें यहाँ पे जैसे मैं कर रहा हूँ ऐड फॉन्ट, वैसे ही ढूंढना है पैक। उसके बाद तुम्हें ऐड टू ऐड डायरेक्टरी करना है, उसके बाद तुम्हें दोनों फॉन्ट दिखेगी, फिर तुम्हें SP स्पोर्ट्स वाले फॉन्ट को यूज़ करना है। उसके बाद इसकी पैडिंग को बढ़ा देना है, पैडिंग को बढ़ाने के बाद तुम्हें रिलेटिव पोजिशन पर जाके बीच में कर देना बिल्कुल टेक्स्ट, फिर साइज़ को बढ़ा देना। साइज़ को थोड़ा ज़्यादा बढ़ाओगे तो सही रहेगा, क्योंकि पिक्सल्स फट जाते हैं वरना, तो फिर से इसको बीच में लाना है। उसके बाद तुम्हें ट्रांसपेरेंट करके, सेव एज इमेज करके, इसके डायमेंशन को अल्ट्रा करके सेव टू गैलरी कर देना है। अभी तुम्हारा पहला टेक्स्ट कंप्लीट है, जो तुम्हारे कैरेक्टर के पीछे आएगा, लोगों के पीछे आएगा। अभी तुम्हें इस पे क्लिक करना है, उसके बाद तुम अपना इंस्टाग्राम का नाम लिख दो, ठीक है। तो इसका है जोनाथन का है IG-JonathanGaming, ठीक है। तो यही मैंने लिख दिया है, उसके बाद ओके पे क्लिक करना है। उसके बाद साइज़ को थोड़ा कम कर दो और उसके बाद इसको खींच दो राइट की साइड, तो ये सीधा दिखेगा। उसके बाद इसका थोड़ा सा बड़ा कर लो। उसके बाद फॉन्ट में जाके फिर से तुम्हें फॉन्ट में जाना है, माय फॉन्ट्स में। उसके बाद तुम्हें प्रोग्रेस वाले फॉन्ट को यूज़ करना है, फिर से इसको बीच में लाना है, एंड उसके बाद इसको सेव करना है। और देखो मेरे फ़ोन की बैटरी कम होगी अभी यार, मैं इसके अंदर ऐड द रेट लगा रहा था, ठीक है, बट लग नहीं रहा था क्योंकि दिक्कत है इसके वाले फॉन्ट के अंदर, जिसने फॉन्ट बनाया उसके अंदर ऐड द रेट वाला ऑप्शन नहीं दे रखा था। तो कोई नहीं, तुम लगाओ इनका बराबर है एक बार ये वाली बात, ठीक है। तो TSM ENT जोनाथन कर दिया मैंने अब, तो तुम लगाओ इनका बराबर बात है। तो तुम इसको बीच में कर लो, अब टेक्स को बीच में कर लो, और उसके बाद इसका कलर देख लो, कलर ब्लैक करके कि सही दिख रहा है, कैसा दिख रहा है। उसके बाद मैं इस वाले जोनाथन वाले टेक्स पे भी जाके ऐट द रेट लगाऊंगा, बट कुछ फ़ायदा नहीं है उसका, क्योंकि जैसे मैंने बताया तुमने जिनने ये फॉन्ट बनाई उनने इसके अंदर ये ऐट द रेट डाला ही नहीं है, तो दिखेगा ही नहीं, ठीक है। तो अभी तुम इसको ट्रांसपेरेंट करके सेव करते हो इस टेक्स को, ठीक है। सेव एज इमेज, डायमेंशन होगी अल्ट्रा, फॉर्मेट होगी PNG, एंड सेव टू गैलरी कर दो। अभी चलते हैं PSCC के अंदर। तो अभी हम PSCC के अंदर आ चुके हैं। तुम्हें सबसे पहले लेफ्ट में नीचे वाली साइड क्लिक करना है ब्लैंक प्रोजेक्ट पे, उसके बाद तुम्हें नया ब्लैंक प्रोजेक्ट बनाना है 920x1080 का। उसके बाद तुम्हें एंड बटन पे जाके फिनिश स्टॉक पे जाके फिल करना है ब्लैक कलर से। उसके बाद तुम्हें बैकग्राउंड लेके आना है पैक में से, ठीक है। ये बैकग्राउंड पूरा बना रखा है पहले ही, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद तुम्हें अपना लोगो लेके आना है, मैंने जोनाथन का लोगो सैंपल के लिए दे रखा है कि तुम देख के अपना लोगो लगा सको इतने साइज़ में। उसके बाद तुम्हें कम ओपेसिटी वाला लोगो भी ऐड करना है, ठीक है। ये भी मैं सिखा दूँगा कि तुम कैसे ऐसे इसको ऐड कर सकते हो अपने लोगो को ही। उसके बाद तुम्हें फ्लेयर लानी है, ठीक है, लाल वाली। उसके बाद तुम्हें इसको लीनियर डोज ऐड कर देना है। अभी क्या करना है, तुम अपने लोगो को डुप्लीकेट करना, उसके बाद तुम्हें ट्रांसफॉर्म में जाना है एंड बटन में जाके। उसके बाद तुम्हें जो जोनाथन का लोगो है जो कम ओपेसिटी वाला, उस पे जाके तुम्हें रख देना अपना लोगो, देखना कि कितना साइज़ है इसका, ठीक है। तुम्हें बार बार ठीक से देखना पड़ेगा कि कितने साइज़ है इसका, तो मैं देख रहा हूँ, ठीक है, तुम भी ऐसे देखना।
तो होने के बाद तुम्हें इस पे टिक वाले बटन पे क्लिक करना है, और जो इसका जोनाथन का जो लोगो है कमोबेश सिटी में, उसको डिलीट कर दो उस वाले लेयर को, ठीक है। उसके बाद तुम्हें जो बैनर वाले लेयर उस पर जाकर सिलेक्ट पिक्सल करना है, लोगो वाले पे जाकर स्टार्ट कर देना है एंड ओपेसिटी 25 रखनी, तो तुम्हारा लोगो भी वैसे दिख रहा है जैसे इसका दिख रहा था कमोबेश सिटी में। अभी तुम्हें टेक्स्ट लाने हैं, ठीक है, पिक्सल वाले फोल्डर से। तो तुम्हें फोटो लाइब्रेरी में जाकर टेक्स्ट लाना है जोनाथन वाला, पहले जो हमने स्पोर्ट्स करके कुछ फॉन्ट थी उसमें लिखा था। उसके बाद तुम्हें स्नैप को इनेबल करके बीच में लाना है बिल्कुल टेक्स्ट, ठीक है, अपने हिसाब से तुम कर सकते हो चेंजेस इसमें। तो ये लाने के बाद तुम्हें सेलेक्ट पिक्सल करने हैं, एंड बटन जा ग्रेडियंट देना है, ये वाला ग्रेडियंट। तो मैं बताया था तुम्हें ये ग्रेडियंट कैसे बनाना है, एक साइड में तुम्हें सब कुछ फुल पे रखना है और एक साइड तुम्हें खाली ब्राइटनेस को 33 पे करना है और तुम्हारा ग्रेडियंट रेडी। उसके बाद तुम्हें रिवर्स करना है, उसके बाद एम्प्टी लेयर लेनी है, उसके बाद तुम्हें स्ट्रोक पे जाना है और एक की स्ट्रोक देनी है, ठीक है। उसके बाद इसको मर्ज डाउन कर दो टेक्स्ट की लेयर को और स्ट्रोक की लेयर को, और तुम्हारा टेक्स्ट रेडी है जोनाथन वाला। उसके बाद अभी तुम्हें फिर से टैक्स लेके आना है अपने जो बचे कुछ टैक्स है, ठीक है, दो इंस्टाग्राम वाले हैं और ट्विटर वाले दोनों लाने हैं। उसके बाद तुम्हें उसको नीचे रखना है, रखने के बाद तुम्हें इसको थोड़ा छोटा करना है एंड जो तुम्हारा इंस्टाग्राम का हैंडल है उस वाली साइड लेके चले जाओ, ठीक है। उसके बाद तुम्हें रख के देखो कैसा लग रहा है इसको ठीक से बीच में, और बस देख लो ठीक से कैसा गया, उसके बाद डन कर दो। उसके बाद जो दूसरे वाला टैक्स है उसको लेके आओ एंड उसको उसके ऊपर रख लो इंस्टाग्राम वाले टेक्स्ट के ऊपर। अरे नहीं, इसकी अलग अलग लेयर बनाए उसके बाद करना था, तो प्लस पे क्लिक करो लेयर फ्रॉम सिलेक्शन एंड क्लियर कर दो पहले वाले लेयर पे से जाके। उसके बाद अलग अलग लेयर होगी, यहाँ पे आओ रख दो इसके ऊपर एंड अब टिक करो। उसके बाद यहाँ पे तुम्हें एक्स एक्सेस पे जाके 800 कर दो। अभी जैसे तुम्हें बढ़ाना है अब सीधा 1000 कर दो, सीधा 1000 करके देखना यहाँ पे आ गया। अभी 1200 करते हैं, हाँ जो थोड़ा ज़्यादा आ गया तब अब इसको पिक्सल नच वाले टूल से ही करके देखते हैं लेफ्ट में, क्योंकि अब ज़्यादा हमें बार बार करने की जरूरत नहीं है। अब हमारा जो बैनर है फुल्ली रेडी है, बस इसमें कलर ग्रेडिंग करनी बाकी है, वो हम पिक्स लाइट रूम में करेंगे। तो इसको अभी मर्ज डाउन कर देते हैं, मर्ज विजिबल। उसके बाद जो ये ब्लैक वाले इसको हटा देते हैं, उसको डुप्लीकेट लेयर करते हैं। थोड़ी प्रेजेंटेशन सिखाता हूँ तुम्हें कैसे करनी है। फिर तुम्हें जो पीछे वाला लेयर है उसको लाना है और थोड़ा बड़ा कर देना है, और थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा जो भी तुम चाहो कर सकते हो, क्योंकि ये वाला जो एरिया वो दिखेगा नहीं। और तुम डिज़ाइनर इसको पोस्ट करने वाले इंस्टाग्राम वगैरह पे, तो तुम्हें जो तुम्हारा इसका काम, वरना कोई काम नहीं है जो मैं अभी सिखा रहा हूँ। तो अगर तुम यूट्यूबर हो खाली तो तुम इसको स्किप कर सकते हो इस पार्ट को, और वरना तुम्हारी मर्जी है। अभी तुम एम्प्टी लेयर लो, अब तुम ब्लैक लेयर ले सकते हो या वाइट लेयर, जो भी तुम्हें रखनी है। उसके बाद ओपेसिटी थोड़ी कम कर लो, 88% मैं कर रहा हूँ, उसको ब्लैक में ऐसा लगे वाइट में, तो मैं वाइट में कर रहा हूँ। वाइट में करने के बाद तुम्हें डन पे क्लिक करना, सेव पे क्लिक करना, तुम्हारा रिजल्ट सेव होने लग जाएगा। उसके बाद तुम इस पर सेव टू गैलरी कर लो एंड JPG फॉर्मेट में जाकर सेव कर लो। अब चलते कलर ग्रेडिंग की तरफ। सो तुम्हारा लाइट रूम ओपन हो गया है। अभी जो स्टेप दिखा रहा हूँ उससे पहले जो DNG फाइल में तुम्हें देने वाला हो उसको एक्सपोर्ट करना, उसके बाद तुम्हारे अपने बैनर को एक्सपोर्ट कर लेना, ठीक है। तो अभी मैंने बैनर को एक्सपोर्ट कर लिया है, उसके बाद तुम्हें अपने DNG फाइल में जाके कॉपी इफेक्ट करना है, ठीक है, 3 डॉट पर क्लिक करके, जैसे कि अब मैं कर रहा हूँ, ठीक है, 3 डॉट ईयर है, उस पर कॉपी सेटिंग्स पर क्लिक करके टिक पे क्लिक करना है। मैंने 2 बार कर दिया है, पर एक ही बार करना होता है, ठीक है, मैंने वैसे कर दिया टाइम पास में। उसके बाद फिर तुम्हें अपने बैनर पे आना है, फिर यहाँ पे आके पेज सेटिंग का ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक कर दो एंड बूम, योर बैनर इज़ फुल्ली रेडी, ठीक है। अभी तुम्हें बस एक्सपोर्ट करना है, इसको इन्जॉय करना है। नाउ यू आर गुड टू गो, ठीक है, सेव डिवाइस एंड एक्सपोर्टिंग फोटो एंड डन। तो गाइज मैंने तुमको इस बैनर को 8 मिनट में बनाना सिखा दिया। अगर तुमसे अभी भी नहीं बन रहा तो इस वीडियो पे 50 लाइक्स करा देना, उसके बाद मैं तुम्हें इसकी PSDX फाइल दे दूंगा, ठीक है। तो तुम सिंपली उस PSDX फाइल को इंपोर्ट करके अपने बैनर को बना सकते हो, बट यार उसकी मेरे हिसाब से इतनी ज़रूरत नहीं पड़ने वाली, क्योंकि बहुत ही आसान बैनर है। अगर तुम्हें फिर भी पड़ती है तो आई एम रेडी टू हेल्प यू, ठीक है। 50 लाइक्स होते ही इसकी टेम्पलेट तुम्हें मिल जाएगी। सो हर एक वीडियो के अंदर मैं टेम्पलेट देने वाला हूँ, सो तुम दिक्कत ना लिया करो, ठीक है। पहले मैं नहीं देता था क्योंकि मेरे को नहीं पता था कि टेम्पलेट भी दे सकते हैं। सो इस वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करता हूँ। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, ठीक है, हेल्पफुल लगी हो थोड़ी बहुत भी। अगर PSD चाहिए, PSDX चाहिए तो जब भी लाइक कर देना, और अगर चैनल पर पहली बार भाई सब्सक्राइब कर देना। ऐसा ही मैं GFX ट्यूटोरियल कंटेंट बनाता हूँ, ठीक है, और टिप्स एंड ट्रिक्स भी डाल रहा हूँ अब कभी कभी, तो मतलब वेरियस टाइप ऑफ कॉन्टेंट है, बट अगर वेरियस टाइप ऑफ कॉन्टेंट है इन GFX एंड VFX स्टफ, ठीक है, तो उनके लिए लाइक की कह दी
कमेंट कमेंट कर देना अगर कमेंट का लगे तुम्हें, कमेंट करना तो कर लेना वरना कोई बात नहीं, ठीक है। सब्सक्राइब जरूर कर लेना यार अगर मतलब कंटेंट ऐसा चाहिए तुम्हें, ठीक है। तो मैं बताता हूँ तुम्हें नेक्स्ट वाली वीडियो के अंदर, और नेक्स्ट इज Q&A। अगर तुमने यहाँ तक वीडियो देख लिया तो यार लिख देना आई हैव वॉच्ड टिल एंड #DFAM, तो तुम्हें नेक्स्ट वीडियो के अंदर शाउट मिल सकता है। ऑल्सो यार इस चैनल को अभी छोड़ के मत जाओ, तुम्हारे लिए बहुत अच्छा अच्छा कंटेंट मैंने ऑलरेडी डाल रखा और डालने वाला हूँ आगे। लेफ्ट वाली प्लेलिस्ट पे क्लिक करके तुम बैनर वाली प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हो, राइट वाली प्लेलिस्ट पे क्लिक करके तुम लोगो प्लस बैनर वाली प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हो। तो यार जाओ और देखो।